एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और टुडे इज़ 31st। तो हम लोगों ने फाइनली 27 को स्टार्ट करके 31st को हम लोग मनाली पहुंच गए जैसा कि प्लान था। और थोड़ा सा प्लान और एक्चुअली आगे था, हम लोग केलोंग में रुकने वाले थे, अभी रुके हुए हैं राइडिंग होटल में और यहां से हम लोग आगे जाने वाले हैं आज केलोंग। तो 11-12 बजे चेकआउट करके वहाँ पर जाएंगे। और अभी लेह लद्दाख में एंटर करने का सीन ये है कि एंटीजन आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल है, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप लोग इजीली जा सकते हो। और यहाँ से जो डिस्टेंस है केलोंग का, दैट इज़ समवेयर अराउंड 80 किलोमीटर्स। तो हम लोगों को दो रास्ते आते हैं, एक है यू कैन गो वाया अटल टनल और सेकेंड इज़ यू प्रेफर रोहतांग पास। रोहतांग पास वाले से नहीं जाने वाले हैं हम लोग, अटल टनल से जाएंगे और केलोंग पहुँच के वहाँ पर थोड़ा सा बॉडी कस्टम करेंगे क्योंकि हम लोगों ने उसके अगले दिन लेह निकलना है। आप लोगों को नज़ारा यहाँ से दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है मनाली से। तो ये देखो, ये वाला है पूरा यहाँ पे माउंटेन्स और इधर नीचे पूरा रिवर जा रहा है, बिल्कुल ड्रीम व्यू है। और इधर पे रूम्स बने हुए हैं और यहाँ पे देखो, इधर से दिखा देते हैं, ये देखो सारे ब्लॉगर्स लगे हुए अपने, ये देखो अभी यहाँ से आपको दिखा दे पीछे साइड का नज़ारा। ये देखो एक और ब्लॉगर यहाँ पे नदीम भाई चालू है, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। अरे भाई क्या बात है यार, यहाँ से व्यू ये वाला बहुत सही आ रहा है। यहाँ पे अभी सनराइज, एक्चुअली सनराइज होता है इधर वाला साइड से। अच्छा, और यहाँ पे जो भी धूप आती है वो इस साइड पे आती है, बट जब इवनिंग होता है तो ये वाला पूरा पहाड़ी भरा होता है इससे, बर्फ से, बहुत जबरदस्त लगता है। मतलब पूरा ये वाला जब, मतलब वही दिसंबर के टाइम पे, अच्छा, तो बहुत सही लगता है। तो कुछ इस तरीके से है और आज का प्लान है हम लोग यहाँ से केलोंग निकलेंगे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मैं रेस्ट। तो आप लोगों को अभी एक बढ़िया सी जगह दिखाते हैं, ये देखो, ये जो हम लोग ब्रिज है, कल रात में हम लोग क्रॉस करके आए थे, एंड सी दिस, यहाँ पे बड़ा मस्त सा दिख रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो है। तो ये कुछ बहुत अमेजिंग सी जगह लगी मेरे को, यहाँ पे जो जो आ रखा है उसने अपना अपना स्टिकर लगा रखा है, ये देखो जो जो आया है उसने सबने लगा रखा है। यहाँ पे आरकेडी व्लॉग्स, रोडॉक व्लॉग्स लगा दिए है, अभी मैं भी अपना लगाऊंगा। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सा नज़ारा है इधर पे, इस साइड में कहीं पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, एक दो पैराशूट दिखे थे। अभी का प्लान ऐसा है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जिस्पा, यहाँ से जो जिस्पा का जो डिफरेंस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स। और जो ये वाला पहाड़ी है इधर से लगा हुआ रास्ता जाता है उस साइड की, और जो मनाली है वो उस साइड में है। तो बहुत अच्छा सा व्यू है यहाँ पर। अभी ब्रेकफास्ट करना है हम लोगों को, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोगों ने पराठा ऑर्डर किया है और ये आ चुका है। हाँ, एक पोर्शन में तो बटर दही अचार आलू पराठा, क्या बात है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद दिस व्यू इज अमेजिंग। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं जिस्पा के लिए, और यहाँ से थोड़ा सा बैक जाएंगे। हम लोगों ने इस साइड, पीछे वाली साइड में जाना था पेट्रोल भरवाने के लिए, हम लोग इस साइड जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी सीधा पेट्रोल पंप निकलते हैं, पेट्रोल फिलिंग कराते हैं, देन उसके बाद में हम लोग निकलेंगे टुवर्ड्स जिस्पा। ये है यहाँ पे पेट्रोल पंप, जस्ट थोड़ा सा राइड इन कैफ़े जो है उसके बैक साइड में आके, और यहाँ पे टैंक फुल कराएंगे। और प्राइस हो रखा है यहाँ पे कितना, पेट्रोल का प्राइस कितना है, 99 रुपीज़ का पेट्रोल है। तो टैंक फुल करा लेंगे, फ्यूल रेंज दिखा रहे हैं 57, तो कहाँ जाएगा ये। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं टुवर्ड्स जिस्पा, पहाड़ी देख लो कैसी सी है मस्त एकदम, बहुत ही गजब की पहाड़ी है भाई, यहाँ पे घूम के मज़ा आ जाता है। तो आज प्लान ऐसा था कि रोहतांग पास वाला तो प्लान कैंसिल हो गया, बट क्योंकि ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे और आई थिंक थर्सडे ना,
अच्छा, सिर्फ ट्यूसडे को रोहतांग पास नहीं मिलता है, वहाँ पे जाने का किसी को भी परमिट नहीं है। तो हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं सीधा जिस्पा। यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अटल टनल, और उसके बाद में वहाँ से क्रॉस करने के बाद में आता है सिसु। यहाँ से जिस्पा का रास्ता भी बहुत बढ़िया है, अच्छा सा हाईवे बना हुआ है, बट जो जिस्पा के बाद में जो सरचू वाला पास है वो वाला थोड़ा सा पैची है रोड। मतलब ये वाला मैं मिस कर रहा था, मेरे को बाइक से करना था लास्ट ईयर भी। यहाँ से सोलांग वैली 3 किलोमीटर, अटल टनल 14, दरचा 69। तो ये वाला, ये जो ब्रिज है ये पलचन 2 ब्रिज है, बहुत अमेजिंग। मतलब यहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है आगे वाले पहाड़ पे इतना सही लगता है। तो ये वाली जो रोड है गाइज, ये वाली मेंटेन करते हैं BRO वाले, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से मेंटेन करते हैं। अटल टनल इज 2 किलोमीटर, सारचू 153, जहाँ से हम लोगों की एक्चुअली में लगने वाली है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, मतलब पूरा धूल मिट्टी वाला रास्ता है। ये देखो यहाँ पे अटल टनल स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार रुक के फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ पे है अटल टनल स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे एंट्री है और एग्जिट हो जाती है सिसु विलेज के पास में। तो यहाँ से हम लोग अटल टनल एंटर कर रहे हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल टनल है। स्पीड मेंटेन करके चलनी है, 40 किलोमीटर्स के ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप लोगों को बोर्ड पे दिखता जाएगा ना कितना किलोमीटर वहाँ पे कितना स्पीड ले सकते हैं, कई जगह 60 लिखा है, कई जगह 40 लिखा है, कई जगह 30 भी लिखा है, तो वो स्पीड उसी हिसाब से मेंटेन करना है। तो यहाँ पे पूरा टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है, आराम से 5-7 डिग्री आराम से ड्रॉप हुआ है, पूरा हाथ ठंडा पड़ गया है। अभी हम लोग यहाँ से अटल टनल का जो नॉर्थ पोर्टल है उधर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखो मैं लास्ट टाइम आया था कैसा सा दिख रहा था, और पूरा अलग सा व्यू है यहाँ पे अभी। और ये देखो ये वाला आप लोगों ने उस टाइम पे एरिया देखा होगा, ये पूरा ही बर्फ़ से गिर गया था। सो दैट इज़ चंद्रा ब्रिज, और यहाँ से जो लेफ्ट में ले कारगिल श्रीनगर, और राइट साइड में रोहतांगला काजा और सुमदो, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे लेफ्ट। से हम लोग उधर साइड से अटल टनल क्रॉस करके आए थे इस साइड में, ये पूरी चेनाब रिवर है जो सिसु वैली है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सिसु विलेज है। तो ये पूरा यहाँ से क्रॉस करते हुए जा रही है, वहाँ से देखो वो भी पूरा पानी बह के आ रहा है। वहाँ पे अगर आप लोग दिख रहा होगा गोप्रो में कि वहाँ पे पूरा वाइट माउंटेन्स हो रखा है। और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी लिखी हुई है, डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, सो नो डाउट। सो अभी जो यहाँ से डिस्टेंस है दैट इज़ 52 किलोमीटर्स, और 1 आवर 19 मिनट्स दिखा रहा है पहुँचने में लगेंगे, तो आराम से चलेंगे, बहुत टाइम है अपने पास में, 3:21 हो रहा है। तो ये छोटा छोटा कहीं ना कहीं होम स्टेज, होटल और टेंट स्टेज आता रहता है। ये जो है ये है सनकदीप ज्योत ग्लेशियर, जहाँ से पानी अभी टपक रहा है, पूरा पानी मतलब बह रहा है, क्या सही लग रहा है यार। हम लोग ऐसा हो गया कि ये 52 किलोमीटर का रास्ता है, हम लोग हर 10 मिनट में रुक रहे हैं, इतना मस्त वाला व्यू है। सो गाइस एक अपडेट ये है कि जैसे कि अब अगर आप लोग यहाँ से टुवर्ड्स जिस्पा और केलांग वो सब जगह जा रहे हो, तो यहाँ पे गोंडाला में एक ATM पड़ता है SBI का, गोंडला ब्रांच पड़ता है, SBI का ATM है यहाँ पे, यहाँ से कैश निकाल के जाना। और इसके आगे केलांग और जिस्पा में आप लोगों को जो ATM है वो मिल जाएगा। तो इट्स बेटर टू कैरी कैश यहाँ पे, क्योंकि हर जगह मतलब जो नेटवर्क्स हैं वो नहीं पकड़ते हैं। लेफ्ट में जो चल रही है रिवर, ये चिनाब रिवर है, थोड़ा सा यहाँ पे पैच वैच है थोड़ा सा ख़राब, बट बाकी हम लोगों ने जैसे लोकलाइट से पूछा
उन्होंने बताया अच्छा खासा रोड है, कुछ ऐसा टेंशन वाला बात नहीं, आराम से चले जाते हैं। तो ये एक और पेट्रोल पंप है, ये तांडी में है। नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन इज 365 किलोमीटर अहेड। क्यूट है। तो ये जो लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है तांडी में, उससे थोड़ा सा आगे जाओगे 200-300 मीटर ही, तांडी पुल के पास में थोड़ा सा छोटा सा शॉप्स है, वहाँ से आप लोगों को जो जेरी कैंस है वो मिल जाएगा, डिस्पोजेबल वाले रहते हैं। 120 रुपीज़ का एक कैन है, तो 5 लीटर्स वाला मैंने लिया है 120 रुपीज़ का। जो कल का डिस्टेंस है हम लोग जो जिस्पा से ले कवर करेंगे वो अराउंड 347 कुछ पड़ेगा हम लोगों को। मैंने क्या किया है कि यहाँ से पेट्रोल पड़वा लिया है 1296 मतलब 1296 रुपीज़ का, और जो जेरी कैंस लिए थे वो यहाँ पे ऐसे भर गए हैं। तो अभी सही है, थोड़ा सा वेट बढ़ गया होगा और ड्राइव तो ऑलरेडी फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला शॉप है, इधर पे जेरी कैंस मिल जाता है, तो यहाँ से ले सकते हो आप। तो अभी यहाँ से डिस्टेंस कुछ रह गया है 20-22 किलोमीटर, एंड उसके बाद में हम लोगों को स्टे ढूंढना है। स्टे ढूंढने के बाद में हम लोग वहाँ पे रुकेंगे और सुबह 6 बजे स्टार्ट करेंगे लेह के लिए। तो कल वाला लंबा सफ़र होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और देखो आगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। आरआर थिएटर में मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि कैसी है राइड के लिए, तो आप लोग देख सकते हो मैं मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ, कैसा कैसा रास्ता था बीच में। हम लोग यहाँ से रुकने वाले हैं जिस्पा में, और उससे पहले पड़ जाता है केलोंग, और यहाँ से देखो केलोंग दिखा रहा है 5 और ले इज़ 334। ये वाइज़र नहीं लगाया जा रहा मेरे से, पूरा धूल वूल उड़ रहा था इसलिए मैंने लगा दिया। बट सामने वाला क्या मस्त वाला वैली दिख रहा है, हैं? अरे वहीं गिर गया होगा पैच में, ठीक है हाँ। अरे यार, तो यहाँ से इधर आते टाइम में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला जो पैच पड़ा था वहाँ पे ऑस्मो गिर गया हम लोगों का, और पता नहीं कहाँ पे इसी रास्ते में कहीं है ना, इधर स्लो ही निकालो अगर रिकॉर्डिंग करना है ना। थोड़ा आसपास भी देखते चलो क्योंकि हो सकता है कहीं गिर गया हो, थोड़ा साइड वाइड में भी हो जाता है। शेट यार, 20-22 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। अभी ऑस्मो कहाँ गिरा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तांडी ब्रिज तक तो देख के आ गए, बट पता नहीं, आई थिंक सो ऑफ रोडिंग वाले पैच में गिरा होगा, बट अगर गिरा है तो किसी ने तो उठा लिया होगा इतनी देर में। तो इन प्रोग्रेस, यहाँ पे एक और ब्रिज बना। पूरा वाटर क्रॉसिंग बना दी एक्चुअली नीचे से, तो पता नहीं लग रहा है मतलब रोड ख़राब नहीं हुआ उतना। सो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप्स हैं, कैंप पैरामाउंट जर्नी, और ये देखो नीचे साइड भी हैं कैंप्स। हम लोगों को एक्चुअली हाइट पे रुकना है जिससे कि हम लोगों की जो बॉडी है कस्टम हो जाए। यहाँ पे हाई बीम यूज़ करना अलाउड नहीं है, मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया, मैंने हाई बीम कर दिया। बट कभी भी आ रहे थे यहाँ पे हाई बीम मत करो, लो बीम करके रखना लाइट। तो हम लोगों का टेंट स्टे का प्लान नहीं है, हम लोग रुकेंगे पूरा जो भी होटल रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे है जिस्पा, किलोमीटर 138.390, ऑल्टीट्यूड 10,890। अभी हम लोग इतने ऑल्टीट्यूड पे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे वेलकम टू थोथैंग हाउस यहाँ पे रुकने वाले हैं। अभी बाइक वाइक पार्क कर देते हैं। रूम का जो प्राइस है हम लोगों को पड़ेगा 1,000 रुपीज़। जो यहाँ पे सामने देख लो, यहाँ पे पूरा बॉनफायर वनफायर चलता है, ग्राउंड फ्लोर में हम लोगों ने रूम लिया है।